तोड़कर बाबा जी को देते हुए कहा, ये ले बाबा जी, नारियल का पानी पी ले। बाबा जी पानी पी चुके तो राजू कहने लगा, दूसरा भी तोड़ दो बाबा जी। बाबा जी उसे मना करते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, इसे मत तोड़ो। ये तीनों नारियल अपने लिए तोहफा समझ कर साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन याद रखना, इसको तोड़ते वक्त जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी हो जाएगी। राजू बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी नारियल लेकर घर को चल दिया। रोज घर पहुँच कर राजू कमाई हुई रकम के तीन हिस्से करता, ये एक हिस्सा खाने पीने के लिए, ये एक हिस्सा खैरात करने के लिए और ये एक हिस्सा बचत। उसकी ख्वाहिश थी कि वो लकड़ी का काम कभी नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आमदन थोड़ी होती उस दिन राजू परेशान हो जाता, ओहो आज तो खैरात की रकम कम हो गई है। लेकिन राजू को अपने खर्चे की रकम कम होने की कभी फिक्र नहीं होती थी। अचानक उसे नारियल का ख्याल आया। उसने नारियल को तोड़ा और दिल में सोचा, अल्लाह करे मेरी आमदन कभी थोड़ी ना हो, मेरे बीवी बच्चे आराम से रहे और मैं इसी तरह खैरात करता रहूं। उस दिन के बाद से उसका कारोबार बढ़ता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता राजू अमीर हो गया। लोग उसे राजू जी कहकर बुलाने लग गए। उसने एक मकान बना लिया और अपने बीवी बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने लग गया। अब राजू पहले से भी ज्यादा खैरात करने लग गया। राजू के घर के पास ही एक अमीर शख्स भी रहा करता था, जिसका नाम बख्शु था। बख्शु एक दिन कहने लगा, मैं राजू से ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन राजू मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो गया? पता नहीं इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। इसी सोच और कश्मकश में वो एक रोज राजू से कहने लगा, राजू जी आप रोज रोज तरक्की करते जा रहे हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे भी बता दे आखिर इस सब का राज क्या है, क्या कोई खजाना हाथ लग गया? राजू कहने लगा, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो जंगल वाले बाबा जी की मेहरबानी है। भोले राजू ने तमाम बात बख्शु को बता दी। बख्शु कहने लगा, फिर तो आपके पास दो मजीद नारियल भी होंगे, क्या आप कल वो अनमोल नारियल मुझे दिखा देंगे? राजू ने हामी भर ली। अगले दिन बख्शु ने बाजार से एक नारियल खरीदा और छुपा कर राजू के घर पहुंच गया। बहुत देर तक नारियल को तकते रहने के बाद बख्शु आंख बचा कर अपनी नारियल राजू के नारियल से तब्दील कर लिया और घर लौट आया। घर लौटते ही बख्शु नारियल तोड़ने ही वाला था कि उसकी बीवी बोल पड़ी, सुनिए नारियल का पानी किसी बर्तन में डालना। बीवी के बोलने पर बख्शु को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, मुझे गरीब बनना है। बख्शु को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अमीर हो जाऊं, मगर उसके मुंह से निकल गया कि मैं गरीब हो जाऊं, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। आहिस्ता आहिस्ता बख्शु की तमाम दौलत खत्म होने लग गई। एक दिन डाकुओं ने उसके घर डाका मार कर बाकी की रकम भी लूट ली। उसकी ऐसी हालत हो गई कि राजू ने उसे बहुत सी रकम खैरात कर दी। बख्शु अपनी गलती तकसीम करते हुए राजू से माफी मांगी। राजू कहने लगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। ये कहते ही राजू ने दूसरा नारियल भी बख्शु को दे दिया। बख्शु उस नारियल को घर
इस मुकाबले का आखिरी नाम है इमाम बोकस यूरिना यस मैंने कहा मैं एक रिवाज था वहाँ
ہمارا اگلا مقابلہ ہوگا نظم خانی یعنی پوئم ریسیٹیشن پر آپ لوگ تیار ہو جائیں نظم خانی کے لیے دس امیدوار ہیں کینڈیڈیٹس اس کی جو کرائٹیریا ہے آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے میکسیمم مارکس میکسیمم جو منٹس ہیں 5 منٹس اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ریسائٹ پوئم بائی ہارٹ یعنی کہ زبانی اور پوئم سنگنگ ول ناٹ بی ٹیکن ان کنسیڈریشن یعنی گا کر نہیں بلکہ تحت میں نظم سنانی ہے مارکس ول بی الوکیٹڈ فار پریزنٹیشن پروننسیشن اینڈ ٹون یہ آپ لوگوں کے لیے پہلے بھی بتا دیا گیا ہے تلفظ اور ادائیگی اور کس طرح سے آپ اس کو اتار چڑھاؤ نظم میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ پچھلی بار جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ نظم ہے غزل نہیں ہے تو اس کا خیال رہے کہ پچھلی بار غالباً دو اسٹوڈنٹس نے غزل سنائی تھی پھر ہم نے کہا کہ یہ مقابلہ جو ہے نظم کے لیے نظم خوانی تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے پہلی کینڈیڈیٹ بھولا بیوی سمیہ انٹرنیشنل کالج سے تشریف لائی ہے چڑیا کی شادی عنوان ہے چڑیا کی شادی تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ میں خود بتا دوں گا کہ کالج اور نام وغیرہ تو آپ براہ راست اچھا جس طرح تیار کیا چلیے ہم ٹائم سیو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں اوکے شروع کیا جیسے آپ لوگوں نے تیاری کی ہے السلام علیکم میں انٹرنیشنل کالج کی طالبہ ہوں میری نظم کا عنوان ہے چڑیا کی شادی کی خوشی کے مل کر گاؤ ننھی منی چڑیوں آؤ چڑیا کی شادی ہے آج چڑیا کی شادی ہے آج کوے نے ہے خبر سنائی دروازے بارات ہے آئی چڑیا کی
Alimia College, Girls College, Alia Bibi Nurafik, Beti Ka Dukh, Nazmukarwa.